नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश खारोल आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों आज अपन फार्मटेक 45 के गियर बॉक्स में लगने वाली थर्ड गियर गिररी और काउंटर डबल गियर गिररी और मैन शाफ्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले, जो कि हमें नया डालना है। तो हमने सोचा हमारे दोस्तों को बता दें और साथ ही उसकी गियर बॉक्स में लगने वाली ऑयल सील, मैन शाफ्ट, वाइशर और फर्स्ट थर्ड बंसली, इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। ये फार्मटेक गियर का स्पेयर पार्ट्स है जो डैमेज हुआ है, उसकी जगह ये आया है, देख सकते हैं। इसमें काउंटर डबल गियर ये आएगा 3382 MRP पार्ट नंबर है D1037-5370.9 किट गियर ट्रांसमिशन काउंटर 3382 MRP ये इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। जो इसके टीथ है वो उसका रेशियो बता देते हैं आपको। ये काउंटर शाफ्ट गियर गिररी है, डबल गियर गिरा 56 बड़े वाले टीथ है और 30 ये छोटे वाले, ये टीथ होंगे ये 56 आएंगे और ये वाले 30 आएंगे, इस तरह से आएगी, देख सकते हैं। पार्ट नंबर भी आपको बता ही दिया है D1037-5370.9 3382 इसका MRP है। और ये होगी थर्ड गियर गिररी, ये आएगी, इसके पार्ट नंबर भी बता देते हैं। ये डैमेज हुआ है और इसके पार्ट नंबर है D1000-0430.9 थर्ड स्पीड गियर Z35x28 टीथ 1408 MRP है, देख सकते हैं। और इसके टीथ जो जैसा कि बताया है ये 35 टीथ है और ये छोटे वाले 28 टीथ होंगे। ये सारा स्टॉप का जेन्युइन स्पेयर, देख सकते हैं। और ये मेन शाफ्ट है जो फोर्ट 3600 में लगती है, वैसी फार्मटेक 45 में लगेगी, फोर्ट 3600 नाम से आएगी। D1000-4x0330.9 शाफ्ट ट्रांसमिशन मेन शाफ्ट, इसके टीथ भी देख सकते हैं 30x28x17 इसका रेशियो है, देख सकते हैं। और 3387 इसका MRP है, 3377 MRP है। और ये इस तरह से आएगी, जो इसके बड़े वाले टीथ है, बड़े वाले टीथ है वो 30 है, ये वाले ये 30 है काउंटिंग में, और फिर 28 ये होंगे, और ये वाला जो है टीथ इसका 17 है ये वाले। तो इसका रेशियो हो गया 30x28x17, ये वाली आएगी मेन शाफ्ट, ऐसी आती है, देख सकते हैं। फोर्ट 3600 ओल्ड मॉडल में फार्मटेक 45 में ये लगती है, देख सकते हैं। ये रिप्लेस करनी है हमें दोस्तों, इसलिए मंगवाई है, ये ऐसी आएगी टॉप जेन्यून, अंदर से इस तरह से आती है, देख सकते हैं। और ये ऊपर से इस तरह से आएगी, ये इसके अंदर निडल बेरिंग ये आएगा, इसके पार्ट नंबर देख सकते हैं D1000-4x0950.9 निडल ट्रांसमिशन 133 MRP 133 इसका MRP है। और ये ऑयल सील आएगी, ट्रांसमिशन आउटपुट वाली शाफ्ट वाली ऑयल सील, जिसका MRP 54 है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये आएगी, और जो PTO काउंटर वाली है ये आएगी 72 MRP है, 43 नंबर है। और जो गियर ऑयल सील है
क्लच वाली, ये आएगी 5629 वाली, 57 MRP है, ये दोनों सुपर सेल में, और ये के पाइनियर में है जो आउटपुट शाफ्ट वाली है, 1605 इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं, और नंबर है 60.33 × 39.75 × 12.7। और ये है इसकी बंसली फर्स्ट एंड थर्ड स्पीड वाली, 255 MRP, पार्ट नंबर देख सकते हैं D1-4/0-56.9। ये बंसली है, इस तरह से आएगी, देख सकते हैं अंदर से भी देख सकते हैं टॉप की जेन्यून। और ये मेन शाफ्ट वाइशर है दोनों, ये देख सकते हैं, तो ये हमें चेंज करना है दोस्तों। ये सारा मटेरियल जो डैमेज हुआ है ये टॉप के डाल रहे हैं, और इसके साथ ही हम गियर पैकिंग किट है टॉप का जेन्यून, देख सकते हैं D1-00-755-90.9 गियर बॉक्स 248 MRP है, इस तरह से आएगा, देख सकते हैं अंदर ये पूरा किट आएगा गियर का, ये चेंज करना है। ये सारा टॉप का जेन्यून स्पेयर है, देख सकते हैं, और साथ में ये नोजल पाइप है भी, ये भी देख बता देते हैं, ये भी टॉप की है, देख सकते हैं। ट्यूब असेंबली फ्यूल इंजेक्शन सिलेंडर 1 D1-00-634.9-0.9-186 की ये आएगी, ये देख सकते हैं फर्स्ट वाली, और ये सेकंड वाली आएगी, इसके पार्ट नंबर बता देते हैं। नोजल पाइप है, इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है D1-00-634-10.9, ये सेकंड नंबर वाली नोजल पाइप है, ये आएगी देख सकते हैं, और ये थर्ड नंबर वाली, ट्यूब असेंबली फ्यूल इंजेक्शन 166 इसका MRP है, ये देख सकते 186 MRP है, ये देख सकते हैं पार्ट नंबर, देख सकते हैं D1-00-633-10.9, तो इस तरह से आएगा, ये सारा टॉप का है जेन्युइन स्पेयर, देख सकते हैं जो आया है जो ट्रैक्टर में रिप्लेस करना है। एक तो मैन शाफ्ट हमें रिप्लेस करनी है जो कि हमने बता दिया है ये वाली, और इसका MRP है जैसा कि आपको वीडियो में बता दिया है पहले स्टार्टिंग में, D3577, और काउंटर शाफ्ट डबल गियर वाली जो गियर गिरा रही है उसको भी चेंज करना है, 3056 वाली रेशो वाली, और इसका MRP है 3382 थर्ड गियर गिरारी जो हमें रिप्लेस करनी है उसकी 1408 MRP, और बंसली थर्ड गियर की वो भी हमें रिप्लेस करनी है, ये इसका भी बता दिया, इसका पार 255 MRP आएगी, और फर्स्ट एंड थर्ड स्पीड रेल गियर शाफ्ट बोलते हैं इसको, शिफ्ट बोलते हैं इसको, 1-4/0-56-0.9 इसके पार्ट नंबर 255 की पड़ेगी ये। तो ये सारा स्पेयर हमें फार्म टैक में लगाना है ये गियर पैकिंग के साथ और ऑयल चिलो के साथ जो डैमेज हो गया है। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप जेन्युइन स्पेयर जो कि फार्म टैक गियर में लगेगा जो मेन पार्ट्स है जो टूटा हुआ था उसे हम रिप्लेस करने वाले थे, तो हमने सोचा हमारे दोस्तों को बता दें टॉप जेन्युइन स्पेयर जो फार्म टैक में लगते हैं गियर गिरारी और मेन शाफ्ट फार्मटेक 45 मॉडल में, तो उसके बारे में जानकारी दे दे। तो दोस्तों मैं ये हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मैं चैनल शकम ट्रैक्टर सर्विस को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगा वीडियो शेयर भी कर दे, और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं हम नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बताएं। आज हमने ये फार्मटेक का जो गियर का पूरा जो भी हमारे पास अवेलेबल है जो हमें ज़रूरत थी अभी ट्रैक्टर के अंदर उसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल्स उपलब्ध कराया। तो
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।